नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चाइल्ड लाइन विदिशा को फोन पर सूचना मिली कि करैया खेड़ा क्षेत्र में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसकी सौतेली मां क्रूरता के साथ मारपीट कर रही है। सूचना के बाद चाइल्डलाइन, बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर मासूम बच्ची को रेस्क्यू किया। मौके पर मासूम की सौतेली मां नहीं मिली, बच्ची पड़ोसी के यहां मिली। रेस्क्यू करने टीम पहुंची, टीम ने बालिका को अपने सुपुर्द में लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर उसकी चोटों की जाँच के साथ इलाज कर रहे हैं। एक लगभग 1.5 साल की बच्ची है जिसके साथ उसकी माँ मारपीट करती है। तो तुरंत ही जैसे ही मुझे जानकारी दी उन्होंने, उसके बाद मैंने महिला बाल विकास और पुलिस से संपर्क किया और हम लोग पूरा एक टीम बना के वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे। तो महिला तो घर पर नहीं मिली, घर में ताला डला हुआ था, तो वहीं पड़ोस में बच्ची मिली। तो फिर हम लोग पूरा टीम उसको रेस्क्यू करके लेके जिला चिकित्सालय लेके आए। अभी डॉक्टर उसका ऑब्जर्वेशन में करके अभी उसका चेकअप चल रहा है। डॉक्टर का कहना है काफ़ी जगह जगह चोट हैं शरीर पे, कुछ पुराने भी हैं उसके नाम। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इसको हमारे द्वारा महिला बाल विकास की सहायता से और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आगे उसमें बाल कल्याण समिति द्वारा वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। सहडूस लग रहा है उसको, थोड़ा खरोच अरोच पूरे शरीर में, जैसे टॉर्चर करते हों उसके पेरेंट्स इस टाइप से। नहीं, अभी उन लोगों का कहना है कि बच्ची के साथ मारपीट ज़्यादा की गई है, जैसे चेहरे पे भी निशान ज़्यादा है। हाँ। ऐसे लगभग कितनी चोटों के निशान हैं? बहुत सारी है और वो 7 दिन के भीतर के हैं, मतलब अभी रिसेंट के तो नहीं है, लेकिन 5-6 दिन में ऐसे रोज़ उसको कोई नाखून से ऐसे झपटते हैं ऐसे हाथ में, चेहरे पर, उसकी आँख में ऐसे ऐसे। अभी उसकी क्या स्थिति है? ठीक है। विदिशा से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।